अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने बच्चों का एक फ़ुटबॉल का टूर्नामेंट करवाया था दिसंबर 2019 में, और उसे उसका मैंने एक व्लॉग भी बनाया था। व्लॉग थोड़ा सा ऑकवर्ड वर्ड है। उस टूर्नामेंट को मैंने डॉक्यूमेंट किया था। अब हुआ ये कि उस वीडियो पे जो है कॉपीराइट्स क्लेम आ गए हैं, तो मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी है। तो मैंने सोचा कि उस वीडियो को नए सिरे से दोबारा अपलोड करूँ मैं, क्योंकि बच्चों ने मेहनत किया यार, बच्चों की मेहनत क्यों ज़ाया की जाए। यार ये कमेंट्री कौन कर रहा है, नजर नहीं आ रहा। तो ये कहानी शुरू होती है, एक काम करें ना यार, आप खुद देख लें। तो हुआ ये कि टोटल अंडर 17 की जितनी भी बच्चे थे उनकी हमारे पास निकली 6 टीमें। उन 6 के दरमियान हमने करवाया क्वालिफाइंग मैच, और टॉप की 4 टीम्स ने जो है क्वालिफाई किया सेमीफाइनल के लिए। और सेमीफाइनल की 4 टीम्स ये हैं। 4 टीम्स के बाद क्या था, इनके दरमियान एक अच्छा मुकाबला। वैसे मुझे इन 4 के नाम नहीं पता टीमों के, लेकिन बच्चों के सबके नाम पता है। तो इन्होंने रखे भी तो इंग्लिश नाम थे ना यार, अब देसी बंदा इंग्लिश नाम कहाँ याद रख सकता है। लेकिन बहरहाल इनके मुकाबले आपके सामने, और इन्होंने बहुत टफ कंपटीशन किया आपस में। और उसके बाद फिर हमारे पास फाइनली 2 टीमें फाइनल के लिए निकल गई।
हार जीत जो है वो गेम का हिस्सा होता है, लेकिन इनकी गेम देखकर आपका भी दिल करेगा कि आप इनको अप्रिशिएट करें। सीरीज से वीडियो डॉक्यूमेंट करके अपलोड करने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि बच्चों को बुरा ना लगे कि उनकी वीडियो मेरे चैनल से डिलीट हो चुकी है या वो डिसार्ड ना हो, और ऐसी चीज़ों से बच्चों को मोटिवेशन मिलती है। तो हम बच्चों के लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और उनके टैलेंट को इसी तरह से उभारा जा सकता है। वैसे ये चश्मा थोड़ी थोड़ी प्रोफेसर के लोग दे रहे हैं ना। तो यार बस इतना ही था अभी तक के लिए, इतना ही। स्टे इन टच, अल्लाह हाफिज़।